शनि दशा। दुई दिन हला खांटु छीनी कांग्रेस हाथ गांधी परिवार सहित करप्शन केस थाना रे कांग्रेस कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उपरे हाथ मजबूत करिबारे लागिछि ईडी। नेशनल हेराल्ड मामलारे लगातार द्वितीय दिन पई प्रवर्तन निर्देशालय रे हाजरा पकाइछंती राहुल। एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड कंपनी ठारु आरंभ करी यंग इंडिया जाए पूरा प्रकरण रे राहुल को भूमिका को नहीं खांटिछि ईडी। हेले एपटे राहुल को हाजरा को पॉलिटिकल इवेंट बनाई 2024 पई राहुल को रीलॉन्च करबा को प्लान करिछि कांग्रेस। सेति पई तो गतकालि परी आजि मध्य कांग्रेस पावर शो करिवार प्रयास करिछि बोली बीजेपी अभियोग करिछि। आजि सकाळे ईडी ऑफिस जिबा अगुरु प्रथमे कांग्रेस कार्यकर्ता को भेटिथिले राहुल परे हाजरा पई जाइथिले। ईडी ऑफिस को जिबा बेले कडा सुरक्षा व्यवस्था सते कांग्रेस कर्मी माने बैरिकेड डेई धसे पसिबा को उद्यम करिथिले। परे 500 रु ऊर्ध कांग्रेस कार्यकर्ता को उठाई नैछि पुलिस। आजि मध्य बीजेपी राष्ट्रीय मुखपात्र संबित पात्र प्रेस मीट रे सीधा सीधा राहुल ओ सोनिया को सह कांग्रेस को टार्गेट करिछंती। भ्रष्टाचार के प्लैंक से राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की कोशिश कर रही है, यह भी फेल होगा। राहुल गांधी जी से गुजारिश है वो जाएं और जिस प्रकार से 5,000 करोड़ रुपए का गबन उन्होंने और उनके परिवार ने किया है वो ईडी के सामने बताएं। वो नफरत फैलाएंगे, नफरत के बीज बोते जाएंगे, हम उनसे प्रेम का सवाल पूछते जाएंगे। वो हमें मारे, हमें पीटे, हमें जेल में डालें, पर वो हमें रोक नहीं पाएंगे। आज राहुल को दुईटी पर्याय रे जेरा करा जायछि। प्रथम पर्याय रे 4 घंटा पचरा उचरा परे लॉन्च पई जाइथिले राहुल। तबे गतकाली पीएमएलए एक्ट धारा 50 अनुसारे तांको बयान रेकॉर्ड होइथिला। नवंबर 1, 2012 रे सुब्रमण्यम स्वामी ए मामला उजागर करिथिले। सेबेठारु नेशनल हेराल्ड मामला गांधी परिवार तंटी रे कंटा होई लागिथिबा बेले आगो को सोनिया गांधी मध्य ईडी रे हाजर हेबे। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।